In a world like today, all parents out there want the best education for their children. Education is not only limited to going through a specified syllabus, but also about gaining knowledge. I am Manika Dixit, a student of grade 11 from Sir Pathappad Singhania Education Center. I did my 10th grade from one of the most renowned coachings of Kanpur, Scientific Approach. Scientific Approach is run by a group of preeminent teachers, the group being led by Rahul Sir. These teachers are the ones who keep the aforementioned points in mind whenever they teach, making sure that their students achieve heights. The main aim of Scientific Approach is helping the children reach their full potential and make the best out of their lives. Rahul Sir has helped me reach certainty about what I shall choose when it came to taking a stream in 11th. His guidance helped me change my opinion and outlook on many things and still doesn't fail to do so. It was just for a month that he taught me in the 9th grade and I knew who I wanted my science teacher to be in order to excel the subject. Even today, the man has simple goals and to reach them, he makes videos available on YouTube for anyone and everyone so that he can make sure that he's there for every child who needs his help. On the days when we used to go to the coaching, we used to put up hundreds of questions and the teachers there made sure that our inquisitiveness was satiated. They still have their websites on various social media platforms to help the children in every way possible. So I thank the teachers, especially Rahul Sir, for helping me making a path for my future. Thank you. So, good morning. Today, I am with a ह्यूमन स्केलेटन, हाफ ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन, और आज मैं आपको जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, दैट इज योर वर्टिब्रा, द बोन ऑफ ऑल वर्टिब्राज. यू कैन सी दिस, दे आर जस्ट स्मॉल राउंड शेप स्ट्रक्चर जो एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है, नॉट एक्चुअली अटैच्ड, एक दूसरे के ऊपर फंसा हुआ है, इन द नॉच, ठीक है, इन द ग्रूव्स. एंड यू नो वी हैव टोटल ऑलमोस्ट इट इज अबाउट 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, वर्टिब्रा भी कहते हैं, एंड इट इज मेड अप ऑफ 33 वर्टिब्रे, है ना, 33. यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस, वी हैव अ 33 वर्टिब्रे जो एक रिंग शेप में भी है, एंड बट इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 26 बोन्स. टोटल 33 वर्टिब्रा, बट इसमें जो टोटल बोन है वो हमारा क्या है, 26. उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, सी फॉर सर्वाइकल, टी फॉर थोरेसिक, एल फॉर लंबर, S फॉर sacral, ठीक है. मतलब अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे, मतलब फ्रॉम दिस वे ऊपर से स्कल से लेके नीचे तक, अगर हम यहां तक जो हमारा ये पेल्विक गर्डल है यहां तक अगर हम पहुंचेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया गया. देर आर डिफरेंट नंबर ऑफ, जो अलग अलग कंडीशन में है, देर आर डिफरेंट नंबर ऑफ बोन. फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, सर्विकल जो टोटल 7 है, नेक रीजन भी कहते हैं इसको, सर्वाइकल रीजन. नहीं, आपने सुना होगा एक बीमारी होती है सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटिस, तो आप इसके कोरिलेशन से भी आप इसको लर्न रख सकते हैं, याद रख सकते हैं. सर्विकल इज व्हाट, द नेक रीजन, जो जिसमें टोटल 7 हमारे वर्टिब्रा हैं. उसके बाद हमारा थोरेसिक है, नेक के जस्ट बाद का पार्ट जो थोरेसिक रीजन है, जिसमें हमारा रिब केज वगैरह होता है, ये मोस्ट ऑफ द पार्ट आर देयर इन द थोरेसिक रीजन, तो दैट इज टी फॉर थोरेसिक. इसमें जो टोटल बोन है वो हमारे 12 है, तो कितने हो गए, 7 हो गए सर्विकल में, 12 हो गए थोरेसिक में. देन वी हैव लंबर. लंबर इज ऑलमोस्ट जस्ट अबव, आप हिप के आसपास के बोन्स को आप कह सकते हैं, वर्टिब्रा को कह सकते हैं, दैट इज योर लंबर वर्टिब्रा. ये जो है वो टोटल हमारा 5 है. देन वी हैव सैक्रल, हिप के जस्ट नीचे वाला पार्ट सैक्रल, जो हमारा फिर से कितने हैं टोटल नंबर, उसके भी हमारे 5 है. मतलब सर्विकल की टोटल संख्या, जो सर्विकल वर्टिब्रा है उसकी संख्या 7 हो गई, थोरेसिक वर्टिब्रा की संख्या कितनी हो गई, 12. मतलब टोटल हो गया हमारा 7 प्लस 12, 19, एंड देन लंबर अगेन 5, तो 19 प्लस 5, 24. देन वी हैव सैक्रल अगेन 5, तो 24 प्लस 5, 29. तो ये हमारा टोटल हो गया सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, एंड देन लास्ट वन इज कॉक्सीजियल, ठीक है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 4 बोन. तो दिस इज व्हाट द वर्टिब्रा. यू कैन सी जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जो एक दूसरे के ऊपर टिके हुए हैं, नॉच में फंसे हुए हैं, दीज आर द
वर्टीब्रा, और इसी के अंदर हमारा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दीज आर द बोन दैट एक्चुअली प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द फिजिकल इंजुरी। ये इसी के अंदर पूरा का पूरा हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है फ्रॉम हाइंड ब्रेन से लेके जो नीचे तक का पार्ट है हमारा पेल्विक रीजन तक, इन सब तक यहां तक हमारा, दिस इज व्हाट द पेल्विक रीजन। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड देन व्हाट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, जो हमारा एक एक वर्टिब्रा का अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। जिसमें हमारा फर्स्ट जो वर्टिब्रा है जो बिल्कुल नेक से लगा हुआ है, स्कल से लगा हुआ है, इसका नाम एटलस है। इसको हम यस बोन भी कहते हैं, क्योंकि व्हेन वी मूव, व्हेन वी अग्री समथिंग, अगर हम यस कहते हैं तो हमारा ये जो एटलस है जो हमारा स्कल से लगा हुआ पार्ट है यही सबसे ज्यादा मूव करता है। और जो दूसरा है हमारा वो है एक्सिस, मतलब सेकेंड वर्टिब्रा विच इज कॉल्ड एक्सिस, इसको हम लोग नो बोन भी कहते हैं। मतलब व्हेन यू जस्ट डिनाय समथिंग तो दैट बोन जो है वो हमारे स्कल को उसी के ऊपर मूव कराता है। मतलब आपको ध्यान क्या रखना है, यस बोन एंड नो बोन, फर्स्ट वर्टिब्रा इज एटलस, सेकेंड वर्टिब्रा इज एक्सिस विच इज योर नो बोन। तो दीज आर द वर्टिब्रल कॉलम, दीज आर टोटल वर्टिब्रा दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सभी में एक दूसरे के साथ नॉचेस लगे हुए हैं, और इसी में फिर फर्दर जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो सभी जो नर्व सेल्स हैं वो नर्व फाइबर्स हैं, इसी के थ्रू जो टोटल हमारा है वो अटैच रहता है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू understand the different vertebra which is present in the human skeleton, and this is how we can also understand the position, how they are get intercalated, kaise ek dusre ke upar wo matlab notch mein fasa hoga. This is all about the vertebra or vertebral column that we have already discussed. देखिए जब हमें समझना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी हैव टोटल 33। यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि हम 33 बोलते तो हैं लेकिन हम जब बोन की बात करते हैं बैक बोन में तो वी ऑलवेज कंसीडर टोटल 26 बोन। अब इसका रीजन ये है कि आउट ऑफ 33 में जो हमारा सेक्रम है इसमें जो 5 बोन है वो फ्यूज होकर एक बोन में कन्वर्ट हो जाता है, और वही जो कॉसिक्स में जो हमारा 4 बोन है, कॉसिक्स का जो बोन है हमारा ये भी फ्यूज होकर एक बोन कहलाता है। इट मीन जो हमारा टोटल 9 बोन था वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, 2 बोन में। और एक चीज और याद रखने का तरीका है, जो सर्विकल बोन है इसको हम लोग नेक वर्टिब्रा भी कहते हैं, थोरेसिक को हम लोग चेस्ट वर्टिब्रा भी कहते हैं, एंड जो हमारा थर्ड वन है लंबर वर्टिब्रा इसको हम एब्डोमेन वर्टिब्रा भी कहते हैं। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन रिमेंबर कि व्हाई द टोटल 33 ह्यूमन वर्टिब्रा टर्न्स इनटू 26। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, लास्ट टू जो सैक्रम एंड कॉसिक्स है, सैक्रम 5 बोन फ्यूज टू बिकम 1 एंड द कॉसिक्स 4 बोन बिकम फ्यूज टू 1। दिस इज हाउ द नंबर विल चेंज ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ द टू डिफरेंट वर्टिब्रा, दैट इज अगेन सैक्रम एंड कॉसिक्स। दिस इज यू हैव टू लर्न अबाउट द ह्यूमन वर्टिब्रा विच इज टोटल 33।